तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एनबीसीसी के स्टॉक के बारे में। एनबीसीसी के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं, उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। हम अगर यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो हम देखेंगे जो ये स्टॉक है, ये हमको पिछले एक लंबे समय से यहाँ पर लगातार क्लियर अप ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। हमको यहाँ पर स्टॉक में लगातार हाइयर हाई हाइयर लो वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और जो स्टॉक है वो यहाँ पर लगातार अपने इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए ऊपर जा रहा है। स्टॉक ने मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर सपोर्ट लिया, जिसके बाद हमको स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली है। आज भी हमको यहाँ पर स्टॉक में 5.28% की यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली है। तो यहाँ से अभी हम स्टॉक में बात करें, अगर यहाँ से स्टॉक में ये तेज़ी कंटिन्यू रहती है तो यहाँ से और तेज़ी की कंडीशन में हमारे पास स्टॉक में 186 का पहला यहाँ पर रजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक इसको भी यहाँ ब्रेक करता है देन यहाँ से हमको स्टॉक में 198, और अगर स्टॉक ने इसको भी यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन एक बड़ी तेज़ी एक बड़ी बाइंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 220 देन यहाँ से हमको स्टॉक में 250 एंड देन यहाँ से हमको स्टॉक में 275 और 300 तक के लेवल्स भी यहाँ से अभी देखने को मिल सकते हैं। वही यहाँ से अब अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो यहाँ से गिरावट की कंडीशन में हमारे पास स्टॉक में 172 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक इसको भी यहाँ ब्रेक करता है देन यहाँ से हमको स्टॉक है 154 और 135 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं एज ए नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट। तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए। धन्यवाद।